सुजानपुर बाजार आने वाले सप्ताह में 4 दिनों तक वार्षिक अवकाश के चलते पूरी तरह बंद रहेगा। सर्वसम्मति के साथ सभी व्यापारियों ने इसका फैसला लिया है। इस फैसले का समर्थन करते हुए सभी ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का ऐलान भी किया। वहीं रोजमर्रा की वस्तुएं, दवाइयां, सब्जियां इत्यादि अवकाश के दिनों में भी लोगों को मिलती रहेगी। अधिक जानकारी देते हुए व्यापार मंडल सुजानपुर के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि सुजानपुर टीरा का बाजार 30 अगस्त से 2 सितंबर तक 4 दिन के अवकाश के चलते बंद रहेगा। वार्षिक अवकाश के दौरान किराना व्यापारी 31 अगस्त से अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, जबकि वहीं उन्होंने बताया कि इस बार पहली बार हो रहा है कि सभी ट्रेडों से संबंधित दुकानदार एक साथ अवकाश पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक अवकाश में सभी व्यापारी वर्ग इन छुट्टियों का भरपूर आनंद उठाएंगे, ऐसी अपील उन्होंने की। उन्होंने उपमंडल के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि जरूरत की वस्तुएं समय रहते प्राप्त कर लें, इसके बाद 3 सितंबर को दुकानें खुलेंगी। उन्होंने सभी व्यापारियों से सहयोग की अपील भी की। हर वर्ष की तरह लगभग पिछले 4 वर्षों से हम सुजानपुर को के व्यापारियों की मांग पर हर वर्ष बरसात के दिनों में वार्षिक छुट्टियां 4 दिन की करते आ रहे हैं। इस वर्ष ये छुट्टियां 30-31 अगस्त और पहली और 2 सितंबर 2018 को होंगी। इसमें सभी दुकानदार का सहयोग रहेगा और इस छुट्टियों में केवल दूध, दवाइयां और सब्जियों के अतिरिक्त सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल दूध, दवाइयां और सब्जियां, क्योंकि ये हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए इनको बंद से बाहर रखा गया है। किराना स्टोर कब बंद रहेंगे सर? किराना स्टोर केवल 2 दिन तक, पहली और 2 सितंबर को बंद रहेंगे और रविवार के दिन अगर इच्छा किसी की हो तो वो अपनी दुकान खुला रख सकता है। दुकानदारों की सहायता हेतु प्रयासरत है। यदि कोई दुकानदार दुकान खोलता है तो ऐसा कोई आर्थिक दंड व्यापार मंडल द्वारा नहीं दिया जाएगा, परंतु उसे खुद सोचना चाहिए कि वह व्यापार मंडल के साथ चले और कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, तभी इस शहर का और व्यापारियों का भला होगा। तो मेरी नागरिकों से भी सभी से अपील है कि वे इन छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अपनी जरूरत की चीज़ें खरीद लें, ताकि उन्हें बाद में असुविधा का सामना ना करना। एक तो हमने सोशल मीडिया में हर जगह इसको प्रचार प्रसार किया है, दूसरा हमने सारे शहर में पोस्टर वितरण का काम किया है। इसके अतिरिक्त हमने अभी होर्डिंग सारे बाजार में लगा दिए हैं, ताकि सभी को इस चीज़ का पता चल सके कि इन दिनों में बाजार बंद रहेगा।